भाजपा के जब टिकटार्थियों की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम भी आता है। जो कभी हमारे नेता पहले कहा करते थे कि कैथल में पीजीआई बनाएंगे, लेकिन पीजीआई झज्जर चला गया। अगर भाजपा आपको मौका देती है, कहीं ना कहीं आपको टिकट मिल जाती है, तो अमरजीत छाबड़ा का मिशन और विजन क्या रहेगा? और जो लोग, मैं कहता हूं कि संसद में संविधान लेकर के पुस्तक लहराते हैं, दिखाते हैं, उनको शायद ये भी नहीं पता कि संविधान में कितने पन्ने हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ खास बातचीत में हरियाणा प्रदेश राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा जी मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, भाजपा के कद्दावर नेताओं में इनका नाम आता है। तो खास बातचीत में बातचीत कर लेते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ इनका मिशन है और क्या कुछ इनका विजन है, तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार विक्रम जी, और आपको और आपके जो चैनल के माध्यम से कैथल खबर के जो जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको अपनी राम राम कहता हूं और जय श्री राम कहता हूं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे भाजपा की हम अगर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है जिसने नरेंद्र मोदी जी के एक नारे पे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीतियों पे चलते हुए देश में और प्रदेश में चहुमुखी विकास किए हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले अगर आप दूसरी पार्टियां कोई देखेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कार्य करती हैं तो वैसे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कार्य करवाए हैं। नौकरियों की बात आई तो नौकरियां एक ही क्षेत्र में दी गई, रोजगार की बात आई तो रोजगार एक ही क्षेत्र में उपलब्ध करवाए गए। जो भी कोई फायदा वो करवाना चाहते थे उन्होंने अपने क्षेत्रवाद की और भाई भतीजावाद की, बाप बेटे की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हरियाणा में सबका साथ सबका विकास और हरियाणा में चहुमुखी विकास किया, कोई क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की। जैसा कि हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, माननीय मनोहर लाल जी ने जो युवा बच्चे हैं हमारे बच्चों को एक उन्होंने चीज कही कि आप नेताओं के चक्कर लगाने की बजाय आप किताब उठाएं। बच्चों ने किताब, जिन बच्चों ने किताब उठाई उन बच्चों को रोजगार मिला, वह स्वरोजगारी बने, अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो बच्चे तैयार हुए। आज वो बच्चे हरियाणा प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मेरिट के आधार पर नौकरियां लगी हैं और वो बच्चे अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं। अब जो बच्चा बिना पैसे दिए नौकरी लगेगा उसको रोजगार मिलेगा तो नेचुरल सी बात है, एक स्वाभाविक बात है कि वो किसी तरह का जो करप्शन या भ्रष्टाचार जो एक होता है वो भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, ठीक है, खत्म के जैसे हुआ वो। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, जो बच्चा पैसे दे के नौकरी लगेगा सबसे पहले वो चाहते हैं कि हम अपने पैसे की प्रतिपूर्ति कर लें। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा संदेश है काम करने का, बिना पर्ची और बिना खर्ची। आप देख सकते हैं मैं गांव में जा रहा हूं, गांव के दौरे कर रहा हूं, जैसे गांव जाके पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे गरीब तबके के लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरा अभी पीछे नौकरियां लगी हैं, एनजीटी के अध्यापक लगे हैं 7471, उससे पहले ग्रुप डी और सी के बच्चे नौकरी लगे हैं। तो उन लोगों का कहना है जब जाते हैं तो बोलते हैं प्रधान जी आज मेरे दो बच्चे लग गए, आज मेरा एक बच्चा लग गया। कोई कहता है जी हमारे ये सफाई करने वाला था इसका बच्चा नौकरी लग गया, इसका बाप भट्ठे पे काम करता था इसका बच्चा नौकरी लग गया। तो ये चीजें जो देखने को मिलेंगी आपके केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में देखने को मिलेंगी जी। तो जैसे हरियाणा प्रदेश राइस मिलर डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आप हो, तो किस तरह है, जैसे आपने पीछे मिलर भाइयों की समस्याएं उठाई उनका समाधान भी करवाया, व्यापारियों की समस्याएं उठाई उनका समाधान करवाया, तो क्या कुछ कितने जरूरी मुद्दे? जी जी, मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने खुले मन से हमारे ट्रेड को माननीय मनोहर लाल जी ने गले से लगाया जी। और जो मुद्दे थे हमारे, मैं माननीय मनोहर लाल जी से हमने 5-6 मीटिंगें की हैं। पहली मीटिंग जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से की, हमारी मीटिंग लगभग उनसे 2-2.5 घंटे मीटिंग चली थी। 18 सूत्रीय एजेंडा लेकर मैं माननीय मनोहर लाल जी को मिला था जिसमें कि हरियाणा के मिलर्स को वो हक नहीं मिल रहे थे जो हमारे साथ लगते दूसरे राज्य के मिलर्स को मिल रहे थे, जैसे बारदाने का डेप्रिसिएशन है, लोडिंग अनलोडिंग है, कस्टडी मेंटेनेंस है, क्रेटों का किराया है, तरपालों का किराया है,
और अन्य कुछ ऐसे बहुत से मुद्दे थे जो हमारे ऐसे ही अधर में लटक के चल रहे थे। जब मैंने उनसे पहली बारी मीटिंग की तो मैंने उनको बड़े साफ मन से बताया, उन्होंने कहा कि इनके पीछे कारण क्या है। मैंने उनको एक ही चीज कही थी कि इसके पीछे कारण एक ही है कि हमारा जो अधिकारी वर्ग है वो इसको नहीं देख रहा। 15-16 हजार करोड़ की जो प्रोक्योरमेंट है, एक क्लरिकल लेवल का बंदा उसको देखता था। तो सारे मुद्दे मैं उसको क्रमबद्ध बना करके माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी को देखे। बड़े बड़े मुद्दे जी, मैं आपको एक चीज ये कहना चाहता हूं कि लगभग प्रत्येक मिलर को 55 रुपए क्विंटल का प्रति वर्ष फायदा मिलना शुरू हुआ। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 254 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ हरियाणा प्रदेश के राइस मिलर भाइयों को मिला, वो केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बदौलत मिलना शुरू हुआ। मेरी एसोसिएशन के चीफ पैट्रन जो अब माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे नायब सिंह सैनी जी, मेरी एसोसिएशन के वो हमारे चीफ पैट्रन रहे। माननीय संजय भाटिया जी हमारी एसोसिएशन के चीफ पैट्रन रहे। माननीय हमारे मंत्री के कृष्ण पाल गुज्जर जी, वो हमारे चीफ पैट्रन रहे। हमने समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सामने भी अपने मुद्दे रखे, जो छोटे मुद्दे क्षेत्र यहाँ के होते थे, क्योंकि हमारे वो सांसद रहे हैं, उससे पहले हमारे मंत्री रहे। और माननीय कृष्ण पाल गुज्जर जी के सामने भी जैसे कोई यमुनानगर का कहीं का मुद्दा आ गया तो वो उनके सामने रखा है, तो उन मुद्दों का निवारण हुआ है। मतलब मेरा कहने का एक साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में एक आम जन की सुनवाई है, उनके लिए रास्ते खुले हैं। आज अगर आप देखना चाहोगे हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान और निष्ठावान संगठनकर्ता जो श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, आज आप देखते हो तो सुबह 7 बजे वो लोगों को मिलना शुरू कर देते हैं, रात में 12-1 बजे तक लोगों को मिलते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। बहुत से लोग, समस्याएं शायद कम होती होंगी, इतनी ना होती होंगी, बहुत से लोग तो सिर्फ उनको मिलने जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी को जिस टाइम मर्जी कोई मिलने जाए तो वो मिलते हैं। क्योंकि एक दिन मेरे को भी उन्होंने बुलाया था, रात में मेरे पास 8 बजे फोन आया था कि छाबड़ा जी आपने समय मांगा था तो आज आप चंडीगढ़ आ सकते हैं। तो मैं 8 बजे यहाँ से निकला, मैं 10 बजे पहुंच गया वहां। तो इतना उनके जो बड़े उच्च अधिकारी लेवल से मीटिंग चल रही थी, तो मैं रात को 12:15 बजे उनसे मिला था। मेरे मिलने के बाद कम से कम 40-50 लोग और थे, तो मेरे ख्याल में वो शायद 1 बजे फ्री हुए होंगे, और वो उसी ऊर्जा के साथ मिल रहे थे सबको और लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। कई लोग मैंने देखा, जी हम तो सिर्फ आपको नमस्ते करने के लिए आए हैं, मतलब लोग उनको एक अपने ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं कि सिर्फ हम आपकी एक झलक देखने के लिए आए हैं जी। तो ऐसे मुख्यमंत्री मिलना और ऐसी पार्टियों की नीतियों का अनुसरण करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 4th-5th क्रम में से उठा के प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता की निष्ठा को देखते उसके प्रदेश की जिम्मेवारी दे देती है। नहीं तो परिवारवाद की बात आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में देखो या दूसरी किसी पार्टी में देखोगे, परिवारवाद की राजनीति रही है। जो भी नेता लोग हैं वो आज वो हैं तो कल अपने बेटे को आगे लेके आना चाहते हैं, ये चीज आपको स्थानीय भी देखने को मिल जाएगी जी। तो छाबड़ा जी अगर बात करते हैं कैथल हलके की, तो कैथल हलके में जैसे लोगों में चर्चा रहती है, भाजपा के जब टिकटार्थियों की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम भी आता है, और अगर बात करें गाँव में शहरों में बैनर वगैरह होर्डिंग वगैरह भी आपने लगा रखे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ समझे लोग? मैं बैनर होर्डिंग सिर्फ और सिर्फ पार्टियों का, पार्टी की नीतियों और प्रचार प्रसार के लिए लगाए हुए हैं कि पार्टी का पता चलना चाहिए कि नीतियों का, किन किन नीतियों पर पार्टी काम कर रही है। रही बात कार्य उसकी टिकट की होड़ में, मैं टिकट की होड़ या टिकट की दौड़ में खुद को नहीं मानता हूं। मैं एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, करती है, और पार्टी मुझे ये बोलती है कि आपने चुनाव लड़ना है छाबड़ा जी, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और पार्टी अगर किसी और साथी को टिकट देती है, कोई भी साथी है, आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके आ जाओ, आप कमल का फूल लेके आ जाओ, जितनी मेहनत आप करोगे उससे ज्यादा मेहनत करूंगा, कम मेहनत नहीं करूंगा, पार्टी के लिए काम करेंगे। तो लोगों में ये भी चर्चा है कि कैंपेनिंग भी आपने स्टार्ट कर दिया, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, तो इसको क्या समझे लोग? लोगों को मिलना बहुत जरूरी है, कैंपेनिंग बहुत जरूरी है, लोगों के बीच में जाना बहुत जरूरी है। एडवांस में तैयारी मतलब? जी जी, मैं अपने लिए नहीं,
मैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं जैसा फिर आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी की नीतियों के साथ जो जुड़ा हुआ है, हमारी पार्टी की विचारधारा के जो साथ जुड़ा हुआ है, उनको हमारे साथ हमने जोड़े रखना है। क्योंकि दूसरी बहुत सी पार्टियां, अब चुनावी दौर आ गया, शादी घर में होती है, ब्याह शादी जब आप कोई रखते हो, कार्ड बांटते हो, काम करते हो, उसी तरीके से ये एक बहुत बड़ा पर्व है, चुनावी पर्व। ये चुनाव अब आने वाला है, अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे हरियाणा के, सितंबर में टिकटें बट जाएंगी, एक महीना रह गया जी टिकटें बटने में। अब जब किसी को भी टिकट मिल जाती है तो सारे साथियों को कैसे कवर करेगा? हमारा सबका काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो दूसरे साथी भी हैं हमारे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नीतियों के साथ जो साथी जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें। आज बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए दूसरे विपक्षी दल आएंगे, झूठा प्रचार भी करेंगे, जैसा आपने लोकसभा चुनावों के अंदर देखा, एक झूठा प्रचार किया गया कि अगर 400 पार होंगे तो संविधान बदल देंगे। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की है, मैं कहता हूं उसको तो स्वयं ब्रह्मा जी आएंगे, शायद वो भी नहीं बदलना चाहेंगे, क्योंकि इतना हमारे देश का अच्छा संविधान बना हुआ है, उस संविधान को कहीं भी बदलने की किसी के विचार में रत्ती भर भी सोच नहीं है। और जो लोग, मैं कहता हूं कि संसद में संविधान लेकर के पुस्तक लहराते हैं, दिखाते हैं, उनको शायद ये भी नहीं पता कि संविधान में कितने पन्ने हैं, वो संविधान बदलने की, बरगलाने की बात। तो हमारा केवल और केवल लोगों में जाने का यही मकसद है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं वो जुड़े रहें, और भारतीय जनता पार्टी गरीब किसान कमेरे वर्ग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उस पे कार्य कर रही है। हम चाहते हैं उसका पार्ट हम भी हैं, हरियाणा के आप भी हो, भाई भी हैं, सिंगला जी भी हैं और साथी बैठे हैं, जो सब उसका पार्ट हैं। तो हम सबका एक नैतिक दायित्व बनता है, अपने हाथों हकों और हितों की अगर हम रक्षा चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार सारे साथी करें। मैं ये नहीं कहता कि जरूरी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम नेता नहीं है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। आपने मेरे जितने होर्डिंग देखे, जितने बैनर देखे हैं, उन सब में आपको देखने को मिलेगा भाजपा कार्यकर्ता। लोग वरिष्ठ नेता भी लिखवाते हैं, वो उनकी सोच है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, माननीय केंद्र मंत्री हमारे मनोहर लाल जी अपने आप को एक कार्यकर्ता कहते हैं, तो हम अपने आप को नेता नहीं कहना चाहिए, हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह ही हम पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। छाबड़ा जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, अगर भाजपा आपको मौका देती है, कहीं ना कहीं आपको टिकट मिल जाती है, तो अमरजीत छाबड़ा का मिशन और विजन क्या रहेगा? अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और टिकट देती है, पहली बात तो मैं 101% आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कैथल में कमल खिला करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। विजन, जो रुके हुए कुछ जो कार्य हैं, आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं कि विकास नहीं हुआ। अभी 1000 करोड़ का सबसे बड़ा जिला के अंदर PGI मेडिकल कॉलेज, जो कभी हमारे नेता पहले कहा करते थे कि कैथल में PGI बनाएंगे, लेकिन PGI झज्जर चला गया। नेता तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो PGI कैथल के लोगों को नहीं दे पाए। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में कैथल को ही नहीं, पूरे के पूरे जितने जिला हैं हरियाणा के, हर जिला के मुख्यालय पे PGI बनने जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है, और पार्टी की जैसी नीतियां होंगी, पार्टी का जैसे विजन होगा, कैथल के लोगों के लिए काम करेंगे, दिन रात कार्य करेंगे, और कैथल के लोगों में एक ये सोच उसको हटा देंगे कि कोई एक नेता थे कभी, तो वो एक कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में अमरजीत छाबड़ा जी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।